अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। एक और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन, आप लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें होती कितनी हैं? हेलो चीफ, व्हाट आर यू कुकिंग? पकोड़ा सर। ओह पकोड़ास, वेरी नाइस। एंड सम पापड़। अमेजिंग चीफ। आपके पास खाने पीने की चीज़ें आती कहाँ से हैं? एंड डू यू गेट एनफ फूड एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड ऑन शिप? जी जनाब, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ढेर लगा हुआ होता है। जितने आप लोगों के एक एक कमरा होता है, हमारा उतना उतना बड़ा एक एक रेफ्रिजरेटर होता है। रियली है, दिस स्टोर इज फुल एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ स्टोर? This is fish. Oh, so we have got the plenty juices and plenty fruits and everything. Oh, nice, nice. Good. So we have gotten all the fresh vegetables now. Okay, so you have this halal beef, chicken, everything. Very nice. और जहाँ तक बात रही कि खाना आता कहाँ से और हम मंगवाते कैसे हैं, तो आज मैं आपको एग्जैक्टली यही बातें दिखाऊंगा। इस वक्त हम लोग हैं केप टाउन की पोर्ट के ऊपर। आपको नज़र पीछे कुछ भी नहीं आ रहा बिकॉज इट इज़ डेंस फॉग, बट ट्रस्ट मी, केप टाउन है यहाँ पे। थोड़ी देर में बोट आ रही है हमारे पास। द नेम ऑफ द बोट इज सी कैरियर। और हमने बेसिकली खाना ऑर्डर किस किस्म का किया है? देखो यार, खाने की होती हैं दो टाइप। एक टाइप वो होती है जिसको आप फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर सकते हैं और वो लंबे अरसे तक फ्रीज रह सकती है चीज़ें, उनको हम कहते हैं फ्रोजन आइटम्स। और दूसरे वो वाले आइटम्स होते हैं कि जिनको आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और जो कुछ अरसा तक रहते हैं और उसके बाद पैरिश हो जाते हैं, हम उनको कहते हैं फ्रेश प्रोविजन आइटम्स या पैरिशेबल आइटम्स। बेसिकली हमारे पास फ्रोजन आइटम्स की कोई कमी तो है नहीं, तो कुछ तो खैर फ्रोजन आइटम मंगवाए हैं, लेकिन ज़्यादा बेसिकली हमारे पास फ्रेश प्रोविजन है। आइसक्रीम वाइसक्रीम इस तरह की चीज़ें, सलाद खत्म हुई है बेसिकली जहाज पर। प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, सब चीज़ें मंगाई हैं हमने। ऑब्वियसली हमने आइसक्रीम मंगाई है, दूध मंगाया है, जूस मंगाया है, बैंगन मंगाए हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। आप में से मुझे पता है अक्सर लोगों को पसंद नहीं है, मुझे बड़े पसंद है बैगन। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने मंगाई हैं, कुछ प्राइवेट आइटम्स भी हैं। मैंने खुद अपने लिए कुछ चीज़ें मंगाई हैं, कुछ क्रू ने अपने लिए चीज़ें मंगाई हैं, तो ये सब की सब हमने मंगवाई हैं केप टाउन से। अभी थोड़ी देर में बोट आएगी सी कैरियर, और सी कैरियर सारा का सारा सामान लेकर आएगी। अब बात रही एक मरतबा फिर ये कि हम लोग खाना ऑर्डर किस तरीके से करते हैं। यार, खाना हम ऑर्डर इस तरीके से करते हैं कि हमें एग्जैक्टली हर एक चीज़ की तरह ये चीज़ भी पहले से प्लान करनी पड़ती है। मुझे कम से कम 7-8 दिन पहले चीफ कुक ये बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके पास ख़त्म हो रही हैं। बेसिकली मुझे नहीं बताता, चीफ अफसर को बताता है, और कौन कौन सी चीज़ें उसको चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली वी रेज अ रिक्वजिशन, वो रिक्वजिशन ऑफिस भेजी जाती है। व्हेन दे रिसीव इट एट द एंड ऑफ द ऑफिस, फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं जहाज़ के वॉयज को देखते हुए कि रास्ते में किस जगह पर जहाज़ को खाना सप्लाई किया जा सकता है। केप टाउन एक अच्छी जगह है, फुजैरा अच्छी जगह है, श्रीलंका एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, सिंगापुर, जिब्राल्टर, ये बहुत सारी ऐसी कॉमन जगह हैं जो कि जहाज़ों के रास्ते में कहीं ना कहीं आ ही रही होती हैं, और इन्हीं जगहों के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड दिस टाइम। आई अरेंज माई रिक्वजिशन, मैंने कहा जी मुझे ये आइटम्स चाहिए, और मैंने साथ ही उनको ये भी बताया कि जहाज़ जा रहा है फ्लां पोर्ट पर, रास्ते में आएगा केप टाउन, केप टाउन पर हम थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर सकते हैं और वहाँ पर बोर्ड से खाना उठा सकते हैं। और अगेन बंकरी की तरह हमें ये चीज़ सस्ती पड़ती है, इस चीज़ के बावजूद कि कम अज़ कम $1,000-$2,000 उस बोर्ड ने लेने हैं, 2-3 लाख रुपए वो लेगी हमारे पास आने के, लेकिन हमें ये चीज़ कहीं सस्ती पड़ती है उसकी निस्बत कि हम पोर्ट के अंदर जाएं, फिर हमारे पास खाना आए और फिर हम पोर्ट से बाहर आएं। नंबर एक, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। जहाज़ ने ऑलरेडी लोडिंग की हुई है, हम डिस्चार्जिंग करने जा रहे हैं, हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। नंबर दो, आपके पोर्ट चार्जेस बेतहाशा बन जाएंगे। जहाज़ के ग्रॉस टनेज के ऊपर आपके पोर्ट चार्जेस डिपेंड करते हैं। हमारी ग्रॉस टनेज ठीक ठाक है, ये 1.5 लाख टन, 1,57,000 टन डेडवेट का जहाज़ है, तो वो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे, कहीं ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है कि हम पोर्ट के पास आएँ, स्लो डाउन करें, बोट हमारे पास आए, खाना दे के चली जाए। और दूसरी अच्छी ऑप्शन ये बन सकती है कि हम कहीं पे लोडिंग कर रहे हों, डिस्चार्जिंग कर रहे हों, हम ऑलरेडी वहीं पे खड़े हुए हों, हमें कहीं से आना ना पड़े और वहाँ पे हमें खाना मिल जाए। बिकॉज इन दैट केस हमें अपने जहाज़ का फ्यूल ऑयल जला के और जहाज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके कहीं जाना नहीं पड़ता। तो कोई ऐसी कन्वीनियंट पोर्ट हो कि जहाँ पर खाना अवेलेबल हो, अच्छा अवेलेबल हो, सस्ता अवेलेबल हो, कन्वीनियंट अवेलेबल हो,
तो फिर हम ड्यूरिंग लोडिंग यानी कि लोडिंग के दौरान में और डिस्चार्जिंग के दौरान में बेसिकली ये चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ कि फुजारा में आप चले जाएँ, आप केप टाउन में आ जाएँ, आप जिब्राल्टर चले जाएँ, आप सिंगापुर चले जाएँ, यहाँ पर आपको खाना अक्सर उससे कहीं सस्ता पड़ता है जितना आपको लोडिंग और डिस्चार्जिंग कोर्स पर पड़ रहा होता है। पता नहीं वो कितने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं यार, दे डोंट वांट टू ग्रो देयर बिजनेस और व्हाट, आई रियली डोंट, आई हैव नो आइडिया। फाइनली हमने स्टोर सारे के सारे उठा लिए हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन डेक, क्रू सारा का सारा उठा के उनको अंदर रख रहा है जिस जिस स्टोर में उसको उठा के रखना है, प्रोविजन सारा का सारा प्रोविजन स्टोर में जा रहा है, इंजन के स्टोर इंजन में जा रहे हैं, और जो डेक पे चाहिए उनको चाहिए सारा अलग लेके जा रहा है। वी हैव कंक्लूडेड द जॉब, इट इज़ द डे ऑफ संडे, और डे ऑफ संडे में हम कोशिश ये करते हैं कि यार थोड़ा सा हमें कोई फ़र्क टाइम मिल जाए, लेकिन अगर जहाज़ कहीं पे पहुंच रहा हो और इस तरह का काम हो तो फिर हम कोई ख़ास इन्जॉय नहीं कर सकते काम कर रहे हैं क्या करें। एनीवे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब आप देखें धुंध आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुई बट इट हैज़ डिक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गुड। धुंध कम होगी तो यार आसानी होती है सबके लिए, धुंध ज़्यादा हो तो जहाज़ को फुल स्पीड में चलाना थोड़ा सा रिस्की होता है, चलाते तो हम फिर भी हैं फुल स्पीड में बट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन ऑफ ट्रैफिक। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि अच्छी भी लगी होगी और आपको शायद कोई एक नई चीज़ देखने को मिली हो, नई चीज़ सुनने को मिली हो हमारे प्रोफेशन के बारे में। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ नई चीज़ देखने को और सुनने को मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। दिस इज़ मी जाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।